अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल निकार ब्लॉगर। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने के लिए आए हैं वो 2009 मॉडल की एक्सएल आई है, और 2009 मॉडल की है। माशाल्लाह से गाड़ी के अंदर क्या पीस टचअप है और कितनी गाड़ी जेन्युइन है ये आपको दिखाते हैं। इस गाड़ी के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ। इसका एक ये वाला जो फेंडर है लेफ्ट साइड का, एक ये फेंडर इसका टचअप है, बाकी आप माशाल्लाह से गाड़ी देख सकते हैं, गाड़ी पूरी जेन्युइन हालत पर है। और साइडों में कहीं टचअप अचप है हल्का फुल्का, बाकी लगी पिटी कहीं से नहीं है। गाड़ी अच्छी गाड़ी है, इंजन गाड़ी का जो है अपना है। और गाड़ी के जो है पैसे बताता चलूँ, 1.3 जो है इसका इंजन है, और गाड़ी जो है पैसों में आ रही है, 15 लाख रुपए डिमांड है गाड़ी की। और बाकी इसके अंदर जो मोहब्बत होगी वो कर लेंगे। लेने का तरीका हमेशा की तरह वही है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, वहाँ से आप गाड़ी मुझसे जो है रब्ता कर सकते हैं। बाकी गाड़ी मैं बाहर से भी आपको विजिट कराता हूँ, अंदर से भी गाड़ी आपको चेक कराते हैं। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था, गाड़ी बाहर से भी दिखाते हैं, तो टायरों से शुरू करते हैं। टायर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से गाड़ी की अच्छी हालत में है। अलॉय रिम जो है गाड़ी के अंदर लगे हुए, नॉर्मल ये नहीं होते, आफ्टर मार्केट लगे हुए। अच्छा, गाड़ी में आपको दिखा रहा हूँ टायर देख सकते हैं। अच्छा, ये फेंडर में अगर आपको दिखाऊँ, पूरा फेंडर जो है जेन्युइन हालत पर है। ये साइड आपको दिखाऊँ, कोई किसी किस्म का निशान नहीं है, हल्के फुल्के से स्क्रेचेस वगैरह हैं गाड़ी पर। बाकी गाड़ी जो है माशाल्लाह से अच्छी कंडीशन पर है। तो आप देख सकते हैं इस गाड़ी की डोरियाँ, मैं आपको चेक करा दूँ दरवाज़ों की। नहीं, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से डोरियाँ जो है गाड़ी की अपनी जेन्युइन हालत पर हैं। गाड़ी अंदर से दिखाता चलूँ, अगर ये इसका पर्दे दिखाऊं, पर्दे आप देख सकते हैं कितनी साफ़ सुथरी हालत में। गाड़ी अंदर से भी दिखा रहा हूँ, साफ़ सुथरी हालत में जो है गाड़ी है, और अंदर किसी किस्म का कोई निशान नहीं है। पिलरों की बात करें, पिलर जो है अपनी जेन्युइन हालत पर हैं, और आप ऊपर से भी देख सकते हैं माशाल्लाह से अच्छी वेल कंडीशन के अंदर जो है पिलरों की हालत हो रही है। दूसरा ये कि गाड़ी की सीटों की बात करें, गाड़ी की सीटें माशाल्लाह से बहुत अच्छी हालत में हैं। और इसी तरीके से आपको ये मैं पीछे वाला दरवाज़ा भी दिखाता हूँ, उसकी डोरियाँ चेक कराता हूँ। अच्छा, ये आप देख सकते हैं इस पर ये निशान है, तो इस पर कलम टचिंग होगी बस, बाकी माशाल्लाह से गाड़ी अच्छी है, कलर नहीं है, अपनी जेन्युइन हालत पर है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ गाड़ी का दूसरा जो है दरवाज़ा। तो ये पर्दे की आप हालत देख सकते हैं माशाल्लाह से अच्छी हालत है। डोरियाँ जो है गाड़ी की देख सकते हैं माशाल्लाह से पूरी जेन्युइन हालत पर हैं डोरियाँ। और गाड़ी ये पीछे से भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, माशाल्लाह से अच्छी साफ़ सुथरी गाड़ी है, और सीटें जो है इसकी ओरिजिनल जो जेन्युइन हालत पे होती हैं बिल्कुल वैसी हैं। और डिग्गी भी गाड़ी की आपको चेक कराते हैं, पहले आपको दोनों दरवाजे दिखा दूँ। गाड़ी अगर पीछे से लुक वाइज मैं आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से अच्छी जो है गाड़ी की कंडीशन हो रही है। ये मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये लगा हुआ है GLI का टैग लगा हुआ है, ये ऐसी लगाया हुआ है, एक्सएल आई है ये गाड़ी, GLI नहीं है। तो कोई मेरा भाई ये समझे कि ये GLI है, GLI नहीं, XLI है, कोई स्टिकर लगा हुआ है ऐसी खाली। बाकी आप झड़पे गाड़ी की देख सकते हैं, और ये पर्दा भी मैं आपको दिखा रहा हूँ माशाल्लाह से साफ़ सुथरी हालत में है। और इस दरवाजे की डोरियाँ भी दिखा रहा हूँ माशाल्लाह से जेन्युइन हालत पर है, किसी किस्म से कोई मसला नहीं हुआ हुआ दरवाज़ों में कि कहीं से लगी हुई है गाड़ी, एक्सीडेंट है माइनर ये मेजर ऐसा कुछ भी नहीं है। गाड़ी माशाल्लाह से देख सकते हैं साफ़ सुथरी हालत में है, और ये नीचे डोरियाँ देख सकते हैं गाड़ी की माशाल्लाह से साफ़ सुथरी हालत में। गाड़ी आपको अंदर से भी विजिट कराता हूँ कुप्पो से, और गाड़ी की डिग्गी भी चेक कराते हैं। ये पिलर भी आप देख सकते हैं, तो ये जेन्युइन हालत पर है माशाल्लाह से गाड़ी। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, डिग्गी खोल के दिखाते हैं हमें अभी आपको इसकी। गाड़ी ऊपर से छत देख सकते हैं माशाल्लाह से, काफ़ी अच्छी और साफ़ सुथरी छत हो रही है गाड़ी की। डिग्गी में की मैं बात करूं तो डिग्गी आप देख सकते हैं माशाल्लाह से काफ़ी जो है अच्छी हालत में है। इसके साइडें किनारियों वगैरह देख सकते हैं बिल्कुल कोने डिग्गी के साफ़ सुथरी हालत में है, और जेन्युइन हालत पे मौजूद हैं। इसी तरीके से ये साइड भी देख सकते हैं, कोना बिल्कुल साफ़ सुथरी हालत में है, डिग्गी की हालत जो है साफ़ सुथरी हो रही है बिल्कुल, किसी किस्म का जो है गाड़ी में कोई काम नहीं है, कहीं से लगी हुई नहीं है गाड़ी। बाकी इसके शेड वगैरह गाड़ी के अंदर पड़े हुए हैं, ये हमारी तरफ से फ्री मिलेंगे आपको। बाकी अंदर से देख सकते हैं गाड़ी साफ़ सुथरी है, कहीं से पुरानी गाड़ी है, 2009 मॉडल है, XLI है, और पैसों के अतबार से मैं दादा 15 लाख रुपए इसकी डिमांड है। आपसे ये कि थोड़ी बहुत मोहब्बत कर ली जाएगी, कोई भी मेरा भाई आएगा। बाकी इंजन रूम गाड़ी का आपको चेक कराता हूँ, इंजन रूम भी आपको चेक कराते हैं। इंजन रूम देख सकते हैं माशाल्लाह से काफ़ी जो है साफ़ सुथरी हालत में मौजूद है। नॉस पट्टी जो है गाड़ी की आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बिल्कुल जेन्युइन हालत पे है। और ये कुप्पा मैं आपको दिखा दूं,
बिल्कुल माशाल्लाह से साफ़ सुथरी हालत में कुप्पा हो रहा है। इसी तरीके से ये कुप्पा भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह से साफ़ सुथरी हालत में है, और बोनट जो है मैं आपको दिखा सकता हूँ साफ़ सुथरी हालत में है। हल्का सा एक फेंडर है जो टचअप है, बाकी पूरी गाड़ी जेन्युइन है। तो जैसा कि मैंने बताया कीमत के अतबार से 15 लाख रुपये जो है गाड़ी की डिमांड है, इसके अंदर मोहब्बत कर ली जाएगी। तो ये था आज की गाड़ी का हमारा रिव्यू, बाकी इस गाड़ी के जो है आपको ड्राइव भी दिखाते हैं करके कि ये गाड़ी जो है ड्राइव में कैसी है। तो अभी पहले ड्राइव करते हैं गाड़ी की, उसके बाद आपसे मज़ीद जो है आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं इस गाड़ी के बारे में। अभी हम आपको जैसा कि बता रहे थे कि आपको ड्राइव भी करके जो है बताते हैं, तो रोड पर आ गए हैं और माशाल्लाह गाड़ी जो है चलने के अंदर बहुत स्मूथ ड्राइव है, सुन गाड़ी है बिल्कुल, किसी किस्म की गाड़ी के अंदर कोई मसला नहीं है। अच्छा, दूसरा इसके जो शीशे हैं ना साइड ग्लासेस, ये रिटेक मिरर हैं इसके, तो ये मैंने आपको बताया नहीं था, तो रिटेक मिरर हैं। बाकी इसके अंदर जो है XLI गाड़ी है, तो XLI के अंदर नॉर्मली मैनुअली हैंडल आते हैं इसको शीशे उतारने के लिए, तो आप इसको GLI भी करा सकते हो इसके अंदर, आप ये ऑटो करवा सकते हो। तो बाकी ये जो गाड़ी मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ माशाल्लाह से चला के चलने में बहुत अच्छी है गाड़ी, और पेट्रोल एवरेज बहुत अच्छा है गाड़ी का माशाल्लाह से शुरू से काफ़ी, मतलब जो इसके मालिक जिनसे हमने ली है गाड़ी उन्हीं के हाथ पे चली हुई गाड़ी है, और उनके पास बहुत कम चली हुई गाड़ी है ये। तो जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, तो ये मेन रोड पर है अभी हम, गाड़ी माशाल्लाह से चलने में बहुत स्मूथ ड्राइव है, और किसी किस्म का गाड़ी में शोर नहीं है, AC गाड़ी का जो है बहुत अच्छा है, चिल्ड AC है बिल्कुल। आजकल तो मौसम वैसे भी थोड़ा ठंडा ही हो गया है, तो लेकिन दोपहर के टाइम पे कराची में अक्सर गर्मी होती है, तो अभी गर्मी है तो माशाल्लाह से अभी AC चला के देख लेते हैं हम। गाड़ी का AC माशाल्लाह से ठीक ठाक अच्छा काम कर रहा है और स्मूथ ड्राइव है, गाड़ी के टायर अच्छे हैं। सस्पेंशन के अतबार से अगर बताता चलूँ, सस्पेंशन जो है गाड़ी का बहुत अच्छा है, और चलने के अंदर गाड़ी मतलब किसी किस्म का कोई काम नहीं है, मेरा कहने का मकसद ये। तो इन पैसों में आजकल क्योंकि गाड़ियों के जो है रेट दोबारा भी ऊपर जाने वाले हैं, आपको पहले से बता रहा हूँ, क्योंकि लाजमी सी बात है डॉलर तो पहले ही हमारे यहाँ शॉर्ट चल रहा है पाकिस्तान में, तो अभी जैसे हालात हुए हैं तो ये और जो है डॉलर शॉर्ट होने वाला है मार्केट से। और सबसे अच्छी बात है कि रोड बन गया है, ये रोड साहब बहुत जो है ना ख़राब था, ये पीपल्स चुरंगी वाला तो बहुत ज़्यादा ख़राब रोड था, तो यहाँ पर बड़े मसले होते थे, अभी अल्लाह का शुक्र है बन गया है, तो काफ़ी खुशी होती है हम कराची वालों को कि कहीं का रोड बन जाता है। तो बाकी गाड़ी का शूट चेक कराता हूँ आपको माशाल्लाह से, सारे रोड अगर कराची में ऐसे ही हो जाए ना माशाल्लाह से, तो कराची के अंदर जो गाड़ियों में सस्पेंशन का मसला है तो ये अपने आप ख़त्म हो जाए, लेकिन क्या करें बस हमारी बदकिस्मती खेल है कि रोड कराची के सही नहीं है, तो नई गाड़ी हो या पुरानी गाड़ी हो उसके अंदर जो है सस्पेंशन का मसला कहीं ना कहीं निकल ही आता है। बाकी आप देख सकते हैं माशाल्लाह से गाड़ी काफ़ी ड्राइव में अच्छी है, तो अभी एक दोस्त के पास जा रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना आपको थोड़ी जो है गाड़ी की ड्राइव भी जो है करके दिखाएँ, तो इसलिए आ गए हम कि चलो अभी आपको दिखाते हैं। और माशाल्लाह से चलने में गाड़ी का जवाब नहीं है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी गाड़ी है, स्मूथ ड्राइव है, 2009 मॉडल है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम ओरिजिनल गाड़ियों पे जो है काम करते हैं, तो एक आध पीस अगर होता है तो वो कर लेते हैं। इसका एक पीस जो है वो टचअप है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और बाकी जो है गाड़ी पूरी ओरिजिनल है, बाहर से भी चलने के अंदर अच्छी है गाड़ी। नॉर्मली इस मॉडल के अंदर जो गाड़ियाँ होती हैं ना उसके इंजन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा चली हुई होती हैं गाड़ियाँ इस वजह से, लेकिन ये कम चली हुई गाड़ी है और इंजन जो इसका गाड़ी का अपना है, तो इसलिए माशाल्लाह से गाड़ी चलने में बहुत स्मूथ है और किसी किस्म का कोई काम नहीं है। मीटर आप देख सकते हैं, किसी किस्म की कोई जो है गाड़ी पे लाइट नहीं है, ये सिर्फ इंडिकेटर की लाइट है और एक जो है ना लाइट आ रही है रिजर्व की, क्योंकि पेट्रोल जो है रिजर्व की लाइट होती है पेट्रोल के लिए, बाकी इसके अलावा और अदरवाइज़ कोई किसी किस्म का एरर नहीं है गाड़ी के अंदर कि किसी किस्म से गाड़ी कोई मसला कर रही हो। तो ये था आज का व्लॉग जो मैंने आपको दिया गाड़ी के अतबार से माशाल्लाह से, गाड़ी चला के भी दिखाई आपको, बाहर से भी दिखाई, अंदर से भी गाड़ी आपको दिखा चुके हैं, साफ़ सुथरी हालत में जो है गाड़ी है। गाड़ी के बारे में दोबारा से जो है आपको बताता चलूँ, इन्फॉर्म कर दूँ थोड़ा सा कि गाड़ी जो है 2009 मॉडल की XLI है, गाड़ी का एक पीस जो है टचअप है, बाकी पूरी गाड़ी जो है जेन्युइन हालत पर है, और चली हुई कितनी है ये बता देता हूँ, 1,23,000 जो है गाड़ी ओरिजिनल माइलेज है इसका, ओरिजिनल माइलेज बता रहा हूँ आपको, 1,23,000 रुपये चेक कराया मैंने। दूसरा आपको भी ये मशवरा दूंगा, गाड़ी कहीं से भी लें जो है आप पहले गाड़ी की इंस्पेक्शन करवाएं, जहाँ से दिल करें वहाँ से इंस्पेक्शन करवाएं, और जो है फिर आप गाड़ी जो है ना परचेस करें।
तो लाजमी सी बात है हमारी भी इन्वेस्टमेंट होती है, तो हम गाड़ी जब भी लेते हैं तो पहले चेक कराते हैं उसके बाद गाड़ी लेते हैं, ऐसे नहीं लेते। तो गाड़ी हमारी तो चेक हुई भी, आप भी चेक करवा के लें गाड़ी। तो कीमत के अतबार से मैंने गाड़ी के बारे में बताया था आपको, 15 लाख रुपए इसकी जो है ना हम मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। बाकी है कि जो मोहब्बत होगी वो कर लेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, मेरे चैनल को लाजमी जो है सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेट रहें गाड़ियों की कीमतों से और गाड़ियाँ जो भी मार्केट में आती हैं, चाहे वो छोटी गाड़ी हो बड़ी गाड़ी हो जो भी होगा, तो हम आपको अपडेट करते रहते हैं गाड़ियों के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।